अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले को हल करने जा रहे हैं और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। कुछ हद तक मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, नेक्स्ट कोशिश आप लोगों ने करनी है, क्योंकि सब कुछ टीचर नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स पे भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ्स में, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो हम फेलियर्स की तरफ जाएंगे। एक तरफ सक्सेस है, एक तरफ फेलियर्स है, और दरमियान में टाइम मैनेजमेंट है। अगर आप टाइम मैनेज को अच्छे अपने टाइम को मैनेज करोगे तो आप लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे जो है सक्सेस की तरफ, अगर आप लोग अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज नहीं करोगे तो फेलियर्स की तरफ जाओगे। और अब आप लोगों की ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है, आप लोग टाइम मैनेजमेंट को अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग ऑब्वियसली सक्सेस की तरफ जाएंगे। फेलियर्स आते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन अगर हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हम कुछ हद तक उनको मैनेज कर पाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? हम लोगों का स्टूडेंट्स का मसला ये बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास टाइम मैनेज नहीं होता। अब टाइम मैनेज क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा मसाइल है। और वो मसाइल क्या हैं कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम भी यूज़ करना है, फेसबुक भी यूज़ करनी है, व्हाट्सएप भी यूज़ करनी है, ट्विटर भी यूज़ करना है, टिकटॉक भी यूज़ करना है, स्नैपचैट भी यूज़ करना है, तो हम लोग के पास पढ़ाई के लिए तो टाइम ही नहीं है। अब हमारे पास पढ़ाई के लिए भी टाइम नहीं है, अपने घर वालों के लिए टाइम भी नहीं है, खाने के लिए टाइम भी नहीं है, क्योंकि ये सब हमें खाना दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग को यही कहा जाता है ना कि ये तुम लोग को यही खाना दे रही है, तुम लोग इसी से ही खाना खा लो, क्योंकि सारा दिन तो इनके साथ गुजारना है, तो आप लोग इन्हीं के साथ, इन्हीं के थ्रू खाना खा लो, इन्हीं के साथ सो जाओ, एंड ऑल दैट, ये सर्कल चलता रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो लाइफ होती है ना, इसके अंदर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स समझ जाएंगे कि अगर मैनेज कर लेंगे अपने टाइम को तो ऑब्वियसली सक्सेस, उनका फ्यूचर उनका सक्सेसफुल होगा, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस का, बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन का वो आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। एंड मैं कभी नहीं चाहती कि कोई भी स्टूडेंट इनके इस दौर से या इसको फेस करे। थोड़ा छोटी सी बातों पे अगर आप लोग कर लोगे तो आई होप कि आप लोग टाइम इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर लोगे कि आप लोगों को भी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, मसला ये होता है कि हम लोगों के पास मैट्रिक के लिए बात कर लें या सेकेंड ईयर की बात कर लें, या हम लोगों ने अगर मेडिकल की फील्ड में जाना है तो हमारी स्टडी बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि वो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को समझ आए कि जो हम लोगों ने अपने आप को सिलेक्ट कर लिया होता है, कि हम लोगों ने कुछ फील्ड्स ऐसी सिलेक्ट कर ली होती हैं कि हम लोग बाद में जब चले जाते हैं उन फील्ड्स में, अगर डॉक्टरी सिलेक्ट कर लिया है, मेडिकल सिलेक्ट कर लिया है, तो बाद में पछता रहे होते हैं कि इसमें तो सिर्फ पढ़ाई है, हम क्यों इधर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने कुछ कर दिखाना है। और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं फिर वो जो है ना इस तरफ के लिए जाते हैं कि उनको जो है ना फिर गालिब के अशार और गज़लें, और क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती तो उनको ये चीज़ अच्छी लग रही होती है तो वो इस तरफ जाते हैं। वो जैसा कहते हैं ना कि कुछ रावा भी औखियाँ सी, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। ठीक है, तो वो ऐसी बात आ जाती है कि अगर हम लोगों ने मेडिकल सेलेक्ट कर लिया और हम पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, अदरवाइज़ तो पढ़ने वाले बच्चों का वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं और किसी तरह घुस घुसा के मेडिकल में पहुँच गए हैं, तो उधर जाके ये शेर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फिट रहता है। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि टाइम को मैनेज कर लें तो हमारा टाइम इतना अच्छा मैनेज हो कि हम लोगों को कभी भी एग्ज़ाम्स में कोई मसला ना हो किसी किस्म का, किसी भी हमारी रूटीन इतनी सेट हो कि हम लोग अच्छा खा भी रहे हैं, अच्छा सो भी रहे हैं, मेंटली फिट हैं, फिज़िकली फिट हैं, अपने घर वालों से अच्छे रिलेशन हैं, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन है, सब कुछ फिट है। ठीक है, और हम लोग अपने मज़हब के लिए भी, अपने दीन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हम लोग फिट हैं। ठीक है, अब टाइम को मैनेज किस तरह करना है, टाइम को मैनेज करने के लिए इजी, बहुत इजी, मैं 5 स्टेप्स बताऊंगी और 5 स्टेप्स के अंदर ही आप लोगों का पूरा टाइम मैनेज हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास 7 मंथ्स हैं, पूरा साल है, कुछ करने को नहीं है, अपने टाइम को मैनेज कर लो। अगर अपने टाइम को मैनेज कर लोगे तो अपने सक्सेसफुल फ्यूचर को अपने ऊपर देखोगे। अच्छा, सबसे पहले है स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट है, ये मैं आप लोगों को ओवरऑल बता रही हूँ, ये नहीं कि अगर एक सब्जेक्ट को रख के सोचो हाँ मैं ऐसे करूँगा, नहीं, मैं आप लोगों को ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट का बता रही हूँ। सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट है, कुछ भी है, टाइम को मैनेज करना है, सबसे पहले फोकस फॉर 10 मिनट्स
फर्स्ट स्टेप इज़ फोकस फॉर 10 मिनट्स। अगर आप लोगों का लिखने का दिल है तो ये आप लोग लिख भी लो, क्योंकि ये 5 स्टेप्स ऐसे हैं जो आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट में 100% रिजल्ट्स देंगे। फोकस फॉर 10 मिनट्स। फोकस फॉर 10 मिनट्स के अंदर बात ये की जाती है कि हमारी बहुत ज़्यादा रिसर्चेज ये शो कराती हैं, हमारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि फोकस फॉर 10 मिनट्स, अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसमें कोई आप लोगों ने 10 मिनट्स नहीं है, 10 मिनट्स गौर करके, 10 मिनट्स स्टूडेंट्स हमारे पूरे दिन में कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, 10 मिनट्स का गुजर के पता नहीं चलता, यहाँ घंटों का नहीं पता चलता, 12 घंटों का पूरे दिन का नहीं पता चलता, तो 10 मिनट्स क्या चीज़ है। 10 मिनट्स लेने हैं, कोई एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें से निकालो, सबसे पहले कॉन्टेंट्स पढ़ो और उसमें से पढ़ो कि मैंने ये वाला टॉपिक आज पढ़ना है, ठीक है, सुबह उठते साथ टॉपिक पढ़ना है, ये वाला मैंने टॉपिक पढ़ना है, अच्छा उस टॉपिक को निकालो। 10 मिनट्स गौर करके अपने मोबाइल पर टाइम देख के 10 मिनट्स तक इस तरह इंटरेस्ट से पढ़ो कि इस टॉपिक के अलावा दुनिया में कुछ ईजी नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस कुछ नहीं होनी चाहिए, ना मोबाइल चेक करना है, ना घड़ी को देखना है, ना पानी पीना है, कुछ भी नहीं करना। फोकस और इंटरेस्ट सिर्फ टॉपिक पे हो, जब टॉपिक पे होगा आपका इंटरेस्ट तो वो 10 मिनट्स आपको इतने इंटरेस्टेड लगेंगे कि आप लोग उन 10 मिनट्स को 30 और 60 मिनट्स में होता खुद देखोगे। मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग खुद देखोगे ये रिजल्ट कि आप 10 मिनट्स को फोकस करोगे लेकिन वो 10 मिनट्स कहाँ तक आपको ले जाते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स ब्रेकअप योर वर्क। ब्रेकअप योर वर्क करना ये है कि कोई भी काम करना है, बड़े से बड़ा काम है, छोटे से छोटा काम है, ठीक है, करना आपने ये है कि अपने काम को ब्रेक कर लो। एक बड़े टास्क को करने से पहले उसको छोटे छोटे सेक्शंस में कन्वर्ट करो, फिर देखो कि आप लोगों को कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर एक बड़ा काम करने बैठोगे तो सोचते ही रहोगे कि इतना मुश्किल है मैं तो नहीं कर सकता, इतना मुश्किल है मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन जब छोटे छोटे काम करोगे तो जब छोटे छोटे काम, जैसे कहते हैं ना कि फेलियर्स आर द लीडिंग स्टेप्स ऑफ योर सक्सेस, फेलियर्स आर द लीडिंग सब स्टेप्स होते हैं। अब फेलियर्स वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपको सक्सेसफुल की तरफ लेके जाते हैं, आपके सक्सेस को सिक्योर करते हैं। इस तरह से जो भी काम करना है उसको छोटे छोटे सेक्शंस में कन्वर्ट कर लो। जैसे अगर एक टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। जब सब टॉपिक्स को पढ़ोगे तो बड़ा टॉपिक ऑब्वियसली खुद ही आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करेगा और खुद ही वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े काम करने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लो। हम लोग जब छोटे होते हैं तो बेबी स्टेप्स से ही हम बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता कि इंसान ऐसे बिल्कुल पूरा पैदा हो जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। हम लोग बेबी स्टेप्स लेते हैं तभी हम इस अपनी सिचुएशन तक पहुँचते हैं या इस लेवल तक पहुँचते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है आप लोगों का सेटअप एंड शेयर योर स्टडी स्केड्यूल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस तरह से, कोई बुक पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, उसमें आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट की जहाँ बात आएगी वहाँ प्रॉपर स्केड्यूल की बात आएगी। अगर एक इंसान प्रॉपर स्केड्यूल पे नहीं चलता तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब प्रॉपर स्केड्यूल क्या करना है कि उठो और उठ के अपना स्केड्यूल बनाओ, या ऐसे करो कि पूरे हफ्ते का बना। अगर आप लोगों को पता है कि मैं इस पे काम करूँगा तो आप सक्सेसफुल रहोगे, अगर आप लोग उसको सुस्ती के मारे कुछ भी नहीं करोगे तो आप लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मैं आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ। और अगर टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करोगे तो मैं आपको सक्सेस की भी गारंटी दे रही हूँ। अब स्टूडेंट्स सेटअप एंड शेयर योर स्टडी स्केड्यूल। अगर आप लोगों ने सुबह उठना है तो अपने दिन की टू डू लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट बनाओ। उसमें सिर्फ ये नहीं मैं कह रही कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पूरे दिन का स्केड्यूल बनाओ। खाना किस टाइम है, नमाज किस टाइम पढ़नी है, सैलड किस टाइम खानी है, सोना किस टाइम है, उठना किस टाइम है, माम पापा के साथ किस टाइम बैठना है, ग्राउंड में किस टाइम जाना है, खेलना किस टाइम है, सब कुछ करो, लेकिन उसको पूरे स्केड्यूल में कन्वर्ट कर लो। जब स्केड्यूल में कन्वर्ट करो, जो लिस्ट बनाई है उसको टिक करते जाओ, मैंने ये काम कर लिया, तो एंड पे जब रात को सोने लगोगे तो देखना कि जो सारा दिन का टाइम गुजरा है वो कितना अच्छा गुजरा है। आप लोगों को कितना अच्छा फील होगा कि मैंने अपने सारा दिन का काम एक प्रॉपर टाइम पे किया है। और जिस तरह आप लोग अपना स्केड्यूल बनाओगे तो आप लोग उस टाइम पे काम करने के बंद हो गए। अगर स्केड्यूल एक तरफ पड़ा हुआ है और हम इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं तो फिर किसको पता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और सक्सेस क्या है और पढ़ाई क्या है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है राइज अर्ली।
स्टूडेंट्स कहा यह जाता है कि जितने भी अर्ली राइजर्स होते हैं ना, ये सक्सेस को सिक्योर करें, मतलब इनकी जो सक्सेस है ना ये सिक्योर है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो अर्ली राइजर्स होते हैं वो सुबह के टाइम उठते हैं। सुबह के टाइम तो हम कहते हैं ना कि सुबह के टाइम बरकतें और रहमतें होती हैं, रहमतें और बरकतें होती हैं, तो उसकी वजह से फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ के बैठ जाओ पढ़ने के लिए, एक घंटा लगा लो। मैं आप लोगों को बिल्कुल 100% गारंटी दे रही हूँ, सिर्फ घंटा लगाओ और वो घंटा जो गुजारोगे अगर इंटरेस्ट से पढ़ा तो सारा दिन आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप लोग दोपहर को पढ़े हो, इंटरेस्ट से भी नहीं पढ़े हो, तो वो जो याद किया कुछ नहीं रहेगा। जो सुबह के टाइम याद किया है वो आप लोगों को स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि वो आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। लेकिन अगर पढ़े हो इंटरेस्ट नहीं है तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं पढ़ने का, ठीक है। अर्ली राइजिंग, राइज अर्ली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले एंड पे आपका आता है रिवॉर्ड योर सेल्फ, क्योंकि योर सेल्फ इज़ मच मोर देन इम्पॉर्टेंट। आप लोगों की सेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की सेल्फ के लिए रिवॉर्ड योर सेल्फ, अपनी सेक्स अपने रिवॉर्ड कैसे करना है अपनी सेल्फ को। चलो मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती हूँ कि अपने सेल्फ को आप लोगों ने कैसे रिवॉर्ड करना है। रिवॉर्ड ऐसे करना है कि टाइम मैनेजमेंट किया, हमने संडे को स्केड्यूल बनाया कि हमने नेक्स्ट सैटरडे तक ये काम करने हैं, हमने पूरे टाइम पे हर काम को परफेक्टली डन कर लिया। डन, अब आप लोगों ने डन कर लिया, संडे आ गया, संडे आ गया, अपने आप को रेस्ट दो, प्रॉपर स्लीप लो। अगर आप लोग 8 घंटे सो रहे हो 10 घंटे सो लो, नाश्ता कुछ अच्छा सा करो, खाने के लिए डिनर के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स से मिलो, किसी दोस्त की तरफ चले गए, किसी से फ़ोन पे बात कर ली, उसके बाद करो ये कि ग्राउंड में चले गए, प्रॉपर इन्वायरमेंट में बैठ गए, ग्रीनिश, हम लोगों ने ग्रीनरी को देखा, हम लोगों ने नेचर को एक्सप्लोर किया, कोई इस तरह क्या होगा कि आपकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट होगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अपने आप को रिवॉर्ड किया है, कि मैं अब यहाँ डिनर अच्छा कर लो, मामा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लो, शॉपिंग पे चले जाओ। दीज आर द थिंग्स टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। एंड एट द लास्ट आई एम कन्विंस्ड टू से दैट योर सेल्फ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। जब तक आपकी सेल्फ स्ट्रॉन्ग है कोई आप पे कुछ भी किस्म का नहीं कह सकता। अगर आपकी सेल्फ स्ट्रांग नहीं है तो आप लोगों को सारे डिस्ट्रैक्शंस आप लोगों को वो करेंगे। अब ये मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के स्टेप्स बता दिए हैं, गारंटी के साथ बताए हैं स्टूडेंट्स, अगर इन पर फोकस कर लोगे तो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके अपनी सक्सेसफुल फ्यूचर को देखोगे। अगर अपने टाइम को प्रोक्रास्ट करोगे, बहुत ज़्यादा सुस्ती से काम करोगे, तो फिर मुश्किल काम हो जाएगा।